अभी मुनिया कड़ हो जाएगा, अभी करवाओगे? तो अभी हम आज ये जो कोर्जट है हमारी दो हो गई है बड़ी बड़ी, तो अब हम आज इनकी इसकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। आओ कम ऑन, ये जुकिनी यहाँ से पकड़ो, चलो जी। What is this, Abhi? Chukini. Oh wow, well done. और अभिमनी ने ये दोनों कोर्जट तोड़ लिए हैं और अभिमनी जुकीनी बोलता है इसको, उसको बुक से जुकीनी का पता है। तो फिर अब इसकी फ्रेश फ्रेश अपना सब्जी बनाएंगे अभी, और मैं कैसे बनाती हूँ ये भी दिखाती हूँ। तो चलो फिर साथ मिलके बनाते हैं कोर्जट की सब्जी। तो इवनिंग का टाइम है, तो पहले मैंने ये कैंडल लगा दिए है इधर, और ये एक और दिया भी लगा दिया है, तो अच्छी सी खुशबू रहती है घर में। और दूसरा, शाम को जब ऐसे शाम सी होने लगती है तो आपको लगता ही है कुछ घर में थोड़ा जलता रहे, खुशबू से रहे, एक अलग सी वाइब रहती है। तो मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद है, तो मैं ये रेगुलर बेसिस पर करती रहती हूँ। फिर बस मैंने जुकीनी धो लिए है और उसको छील लिया है, और उसके बाद उसको कट भी कर लिया है। ये मैं कट करती जा रही हूँ, तो पहले ही कट करके रख लूँगी और उसके बाद मैं इसका मसाला बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने ये अलग अलग वे करके रख लिए हैं। अब वेट क्यों लेती हूँ मैं ये भी बताऊँगी मैं बाद में। तो मैं दो जगह बनाऊँगी, एक आपको दिखाऊँगी और एक साइड बाय साइड बनाती जाऊँगी। तो एक में प्रतीक के लिए बनती है सब्ज़ी, और एक में अभिमन्यु और मेरे लिए। तो ये मैंने प्याज कट कर लिया है एक बड़ा, दोनों के लिए ही किया है, तो एक बड़ा प्याज। और बस फिर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा के थोड़ा सा जीरा डाला, जीरा के भुनते ही मैंने उसमें प्याज डाल दिया है। तो 100 ग्राम कोर्जट के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और ये एक टमाटर। तो उधर वो भुनता जा रहा है प्याज, उसको बीच बीच में चलाती रहूँगी, और इधर मैंने ये बारीक बारीक टमाटर कट कर लिए हैं। तो साथ ही मैंने दूसरी कढ़ाई में भी स्टार्ट कर दिया है। तो प्याज टमाटर डालने से पहले मैं इसमें थोड़े थोड़े मसाले, बेसिक वाले मसाले डालूँगी, हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, और फिर नमक, मिर्च। आप मिर्च चाहो तो हरी भी डाल सकते हो, मैं हरी इसलिए नहीं डालती क्योंकि अभी मम्मी को फिर मुँह में लगती है तो वो खाना नहीं खाता। और थोड़ा सा मैं इसमें डाला है मैंने ये किचन किंग जो मसाला आता है वो। जैसे ही मसाला भुन गया उसके बाद ही डाल दूंगी मैं टमाटर, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गैस जो है वो मीडियम लो रखे, फ्लेम जो है वो मीडियम लो पर रखे, और इसको खूब अच्छे से चला दे, उसके बाद इसको ढक दे। तो ढक करके ये बस बीच बीच में इसको चलाते जाना है, देखते जाना है, और थोड़ा सा हल्का हल्का सॉफ्ट होते जाए टमाटर, उनको प्रेस करते जाना है। तो अच्छा सा एक पेस्ट जैसा हमें बना लेना है इसका। तो मैं कुछ इसी तरह से बीच बीच में फिर इसे चलाती जाऊंगी। तो साइड बाय साइड इस तरह से मैं दो सब्जी बना लेती हूँ, तो उधर मैं वो दूसरा मसाला भी रेडी करती जा रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट भुन चुका है हमारा मसाला, और इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है ये कोर्जट। तो कोर्जट डाल के बिल्कुल 2 चम्मच जितना सा ये पानी डालना है, और इनको अच्छे से चला देना। कोर्जट जो है वो अपना पानी रिलीज करती है, तो इसलिए ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि और फिर डिपेंड करता है आप कितना मसाला खाना चाहते हैं, कितनी पतली आपको सब्जी चाहिए, तो इन सब पे डिपेंड करता है खाने का, आपका अपना अपना तरीका है। अगर आपको ज़्यादा पतली सब्जी चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जब तक वो सब्जी में उबाल आता है तब तक मैं यहाँ पर अपना डिशवॉशर लोड कर दूँगी, क्योंकि आज वर्क था, तो वर्क के बाद से हमको फिर थोड़ा बिजी सा रहता है शेड्यूल। तो अभी मैंने उधर टीवी देख रहा है, अपना कुछ खा पी रहा है क्योंकि वो सो के उठा था, और मैंने फिर इधर खाना बनाना स्टार्ट कर लिया था उसी दौरान। तो बस अब बैक टू अपनी सब्जी। तो ये अभी थोड़ा पानी रिलीज कर दिया इसने, धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है, फिर से ढक देंगे इसको, और ऐसे ही बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी मैं। तो फाइनली अब एक बार फिर से देखते हैं,
और अभी धीरे धीरे थिक होनी स्टार्ट हो गई है, हल्की सी बिल्कुल बची है। तो बस इसको एक और दो तीन मिनट और करके बस फिर से चेक कर लूँगी और फिर इसमें इसको एंड में इसके में डालेंगे हम हरा धनिया थोड़ा सा। अगर आपको पतली चाहिए तो आप वही पानी ज़्यादा डाल लें और एक मैश भी कर सकते हैं इसको हल्की, बट वही है प्रतीक और मुझे भी इवन ये मैश हुई सब्ज़ी पसंद नहीं है ये वाली, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी मैश नहीं करती हूँ। तो बस दोनों हमारी सब्जियाँ रेडी हो चुकी हैं, हरा धनिया डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके अब इसको छोड़ दूँगी। आप चाहे तो हल्का गर्म मसाला भी इसके ऊपर से डालेंगे तो एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो कोर्जेट कहे जुकेनी, हमारी ये सब्जी बढ़िया सी स्वादिष्ट सी तैयार है, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कर लेना। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हम दोनों जो हैं वो वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो इसीलिए दो जगह अलग अलग जगह सब्जी बनती है, तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी सब चीज़ें। बने रहे, अपना ध्यान रखे, खुश रहे।